अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन मोमोज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बच्चों की फेवरेट हैं। आप इसे घर में बच्चों को बनाकर जरूर खिलाएं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हम 1 कप मैदा ले रहे हैं, थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून तेल। अब हम इसे गूंद कर एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालें ताकि ये बहुत सॉफ्ट नहीं हो जाए। मैदे का एक सॉफ्ट डो बना लिया है, इसे अब हम क्लीन फाइल से रैप करेंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें एयर नहीं जाए और ये सूखे नहीं। मोमोज की स्टफिंग के लिए हमने चिकन का बारीक क्रीमा लिया है। चले अब इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। थोड़ा सा नमक 1/4 टेबल स्पून, क्योंकि हमने मैदे में भी नमक मिलाया है। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, ये आप अपने अकॉर्डिंग सब चीजें कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून विनेगर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमने सब चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम मोमोज की चटनी बनाएंगे। मोमोज की चटनी बनाने के लिए हमने 2 टमाटर और 8 हमने लाल साबुत मिर्च ली हैं, जिन्हें हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। टमाटर की स्किन हम उतार देंगे। टमाटर की स्किन हटाकर हम इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक। इसे हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। इसको थोड़ा सा सौटे करने के बाद हम इसमें वो प्योरी डाल देंगे जो हमने ग्राइंड की थी, टमाटर और लाल साबुत मिर्च की। 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें हम विनेगर भी डाल रहे हैं। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एंड में आकर इसमें हम 1/2 टेबल स्पून चीनी डाल रहे हैं ताकि ये ज्यादा तीखी नहीं लगे। इसे 1-2 मिनट पकाने हैं, बस ये चटनी बनकर तैयार है। हमारी मोमोज की चटनी बनकर तैयार हो गई है। हमारा मैदे का डो बिल्कुल तैयार है, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रहे हैं काउंटर टॉप पर और इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इसे हमने पतला रोल कर लिया है, अब हम इसमें से छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे। अब हम इन पेड़ों को पूरी की साइज की तरह बेल लेंगे। हमने कुछ पेड़े बेल लिए हैं, अब हम इसी साइज के सारे पेड़े बेल लेंगे। हमने पेड़ों को पूरी के साइज से थोड़ा सा छोटा बेल लिया है, अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। हम इसके एक साइड पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। इसे हल्के हाथों से फ्लिप कर देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि स्टफिंग बाहर नहीं आनी चाहिए। दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद अब हम इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। ये देखें, बस इनके दोनों किनारे इस तरह मिला दें और इसको अच्छे से दबा दें। ये देखिए कितना अच्छा बना। इसी तरह हम बाकी के मोमोज भी बना लेंगे और फिर उन्हें स्टीम करेंगे। हमने ये सारे मोमोज बना लिए हैं, इन्हें अब हमें स्टीम करना है। एक पतीले में हमने पानी बॉयल करने रख दिया था, इसके ऊपर कोई भी छन्नी रख देंगे। इस तरह के ये पूरी
जो ये छन्नी जो है वो पतीले को कवर कर ले और इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश से तेल लगा देंगे ताकि हमारे मोमोज इन पर चिपके नहीं। अब हम इस छन्नी पर सारे मोमोज रख देंगे और इसे 15 मिनट तक ढककर स्टीम करेंगे। हमने सारे मोमोज छन्नी में रख दिए हैं, अब हमें इसे ढककर 15 मिनट तक स्टीम करना है। हमने अपने मोमोज को 15 मिनट स्टीम दी, देखिए बिल्कुल बनकर तैयार है। अब बस अब हम इसे डिश आउट करने वाले हैं। ये देखें मोमोज बनकर तैयार हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत डिलीशियस और टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, घर में ज़रूर बनाएं।